वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्ज मोतिया, जिसको ग्लाउकोमा भी कहते हैं। आज की वीडियो में आप इसकी वजूहात के बारे में जान सकेंगे कि किन वजूहात की बिना पर इंसान को सब्ज मोतिया हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हेल्थ पर मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन और साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको जब भी न्यू वीडियो आएगी, आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वीडियो जो है वो सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्या वजूहत होती है जिनकी बिना पर सब्ज मोतिया जो है वो इंसान को हो जाता है। इसकी डिफरेंट कॉसेस होती हैं, वजह होती है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर आंख में लिक्विड जो है वो जमा हो जाने की वजह से सब्ज मोतिया जो है वो इंसान को हो जाता है। और इस लिक्विड को जो कि आंख के अंदर जमा हो जाता है, इसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता है और इसकी वजह से पैदा होने वाला दबाव प्रेशर जो है वो आंख के अंदर जो है वो बसरी असाब यानी उन नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है। माहिरीन के मुताबिक ये बात पूरी तरह वाजह नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा कई अवामल होते हैं जिसकी वजह से इसका खतरा जो है वो मजीद बढ़ जाता है, इसके खतरे को, सब्ज मोतिया के खतरे को मजीद बढ़ा देता है। वो है उम्र में इजाफे के साथ, यानी जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, इनके अंदर सब्ज मोतिया का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा सब्ज मोतिया का खतरा जो है वो ज्यादा अफ्रीकी, करेबियन और एशियाई नस्ल यानी कि एशिया में रहने वाले लोगों को ज्यादा इसका खतरा जो है वो होता है। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है, यानी वालदैन में या किसी बहन भाई को सब्ज मोतिया का मसला है, तो यकीनन दूसरे बच्चों को भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज या डायबिटीज के लोगों को सब्ज मोतिया का खतरा जो है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा करीब और दूर की नजर की कमजोरी जो है सब्ज मोतिया के खतरे को मजीद बढ़ा देती है। यानी कुछ लोगों को दूर की नजर का मसला होता है, कुछ को करीब का, यानी इन लोगों को भी आगे चलकर सब्ज मोतिया का खतरा जो है वो मजीद बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो, मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।